डस्ट आ गई भाई, इसी डस्ट की बात कर रहा था मैं। तो ऐसे जाना पड़ेगा हमें, बहुत ठंडा पानी है भाई। देख सकते हो नीचे रोड बन रहा है नया, देखो ठीक है भाई। तो यहाँ से पदुम के लिए निकल गए थे हम, और देखते हैं पदुम कब तक पहुँचते हैं। और ये यहाँ हम लोग रुके थे, ठीक है ओके। तो ये जगह जहाँ पे हमारा कोरोना टेस्ट के लिए हमें रोका गया था, पर हमारे पास दोनों वैक्सीन थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये टावर लगने जा रहा है यहाँ पे जियो का, नेटवर्क स्टार्ट कर देंगे कुछ टाइम बाद। तो अभी हम लोग तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नईम है और जगमीत है पीछे आ रहा है, और जो इस तरह के वाइट वाइट ये बने होते हैं इनको गोम्पा बोलते हैं। कि BRO काम कर रही है यहाँ पर रोड का, तो हो सकता है एक दो साल में तो ये पूरा कंप्लीट कर देगा रोड का पूरा। तो ये है एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, तो यहाँ से आराम से निकलना होगा। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपर से हाइट से ज़्यादा हाइट पे। बहुत ठंडा पानी है भाई, ये पानी है पत्थर, छोटे मोटे पत्थर पड़ते तो वहीं में रुक जाए, पानी आया तो सीधा वहाँ जाए, खड्डा ना करे सीधा। तो अभी हमें कई पहाड़ियों के पीछे जाना है, तो जल्दी करते हैं लेट ना होके, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं और थोड़ी लंबी राइड करनी आज। ये ऐसे ऐसे काफ़ी सारे गांव हैं यहाँ पे, जहाँ पे चार चार पांच पांच घर है। झूले बेटा कुछ लेके नहीं आया मैं, सॉरी। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो भाई, टॉफी लेके नहीं आया यार, सॉरी यार, टॉफी का ध्यान नहीं रहा मुझे, नेक्स्ट टाइम से लाऊंगा टॉफी जरूर। अभी और आ रहे होंगे पीछे, उनसे ले लें टॉफी, ठीक है भाई। अरे 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 भाई, पता नहीं है यहाँ पे ठीक ठाक है, और धूप हो रही है अभी, रात को काफ़ी ठंड थी यहाँ पे। और वैसे काफ़ी रोड अच्छी बना दी, क्योंकि पहले क्या मिट्टी उट्टी थी यहाँ पर रोडी थी, अब तो फिर भी प्लेन कर दिया है। बाकी बाइक चलाने में आ रहा है पूरा मज़ा, बाकी बाइक अच्छी चल रही है अपनी, मशीन बहुत अच्छी चल रही है मशीन। तो नीचे रोड बन रहा है नया एक और, तो जो अभी हमें हाई, तो अभी हम लोग जो हाइट पर आया ना, ये हाइट पर जाना पड़ेगा, सीधे नीचे से नीचे रोड निकल जाएगा। यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है, यहाँ पे पहले जैसा ही रोड है यहाँ पे तो, और पूरी हाइट पे आप देख सकते हो, पूरी हाइट पे। ऐसे गिरे को तो कैसे लगा, ऐसे गिरे को तो कैसे लगा। कुछ और दूरी पे आता हुआ हमारा चाह विलेज, चाह विलेज में कुछ लेंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का। अरे भाई चलते हैं, लेट हो रहे हैं। अच्छा नहीं लेंगे, तो भाई कुछ नहीं लेंगे चाप लीज में। ये हमारा आ गया पुण्या
पुण्य विलेज। तो यहाँ से भी दो रूट कटते हैं, एक राइट में इधर जा रहा है, ये फुकताल कुंभ जा रहा है और ये पुण्य विलेज है, और यहीं से चाह विलेज निकल के पदुम जा रहा है सीधा। तो थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। मैं ही खा लो भाइयों जगमीत के साथ। लगाओ ना स्टिकर अपना भी, अपना हाथ से लिख दो। नाश्ता हो गया अपना, जो नाश्ता करना था थोड़ा सा नाश्ता कर लिया यहाँ पे और निकलते हैं फिर वापस से पदुम के लिए। मशीन काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डस्ट में हो गई अभी तो उस टाइम। लगा रखे तुमने पीछे yep. टेप पानी कलर देखो पानी का एकदम, यहाँ से देखो पानी कलर देखो, एक डस्ट का पानी है और एक बिल्कुल क्लियर पानी है। तो ये ज्यादा ट्रैक वाला ही पानी है, जिसमें ज्यादा ट्रैक होती है यही होता है वो पानी जो जम जाता है, और पानी का यार एकदम कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल ही, जज्बात ही बदल दिए भाई। आगे डस्ट आने वाली है, बहुत ही गजब की डस्ट आएगी जिसमें फंसने के चांस रहते पूरे पूरे, पर लास्ट टाइम अपन निकल गए थे तो अब इस बार भी अपन निकल जाएंगे। ओहो ये दो गांव को कनेक्ट करता हुआ एक पुल आया, डस्ट आ गई भाई। इसी डस्ट की बात कर रहा था मैं, बाइक गिर गई, एक बार उठाते हैं बाइक को। बिल्कुल ही एकदम से कट हो गई, उधर से पकड़ो क्या, स्टैंड लगा लो, स्टैंड बस। ये डस्ट है यहाँ का, ये एक्चुअल भी यहाँ का ये सीन है भाई, यहाँ की डस्ट बाइक रेस कुछ हुआ नहीं है। उनको रोक दो यहीं पे है भाई, उनको वहीं रोक दो, उनको उनको
ये जलवायु कंडीशन क्या हो रही है, भाई यही था सबसे टफ था, फिर लीवर निकल गई थी इजली। आपकी बात थोड़ा बिल्कुल पैच एकदम बिल्कुल स्ट्रेट एकदम है ना, टाइम लग गया। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। थोड़ा थोड़ा पीछे हटो। अरे देखते हैं भाई क्या सीन होता है। एक मिनट तुम रुको, पर निकलूँ पहले, मैं निकलता रुको। ये सीन है भाई यहाँ का, ये टफ है भाई, बहुत बहुत टफ है, बिल्कुल डस्ट एकदम। मुश्किल है भाई पर इजी नहीं है, और ना नामुमकिन है। वैसे अपनी बाइक ठीक है, लाइट वाइट कुछ वन लाइट के, क्योंकि अपने बाइक में प्रोटेक्टर लगे हुए थे तो कुछ हुआ नहीं बाइक के। ले भाई ले कैच, या खड़े हो गए यार, सही है स्ट्रैडलिंग से चल रही। खच 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 खच, बंद हो गई। ये कुछ मुश्किल था रूट ये वाला, पीछे लगे है भाई, खतरनाक है। ओए अभी छेड़ना मत भाई, सेकंड गियर में ली, सेकंड गियर लेते बंद, फर्स्ट गियर में भगा देगा। अच्छी परफॉर्मेंस दी बाइक ने, चढ़ गई आराम से, फर्स्ट गियर में आई, फिर सेकंड गियर में आई नहीं आ। तो ये है ऊपर के नज़ारे, मैं जहाँ गिरा उससे जस्ट ऊपर आने के बाद
पूरा एकदम प्लेन, चारों तरफ से प्लेन। बाइक में थोड़ा चैन का इशू हो गया, वो चैन दिख कर रहे हैं सही जगविंद भाई। और ये है अपना व्यू एक्चुअल, निकलते हैं यहाँ से। बाकी बाइक की हालत ऐसी हो रही है और थोड़ी बाइक में दिक्कत हो गई थी, सही करी बाइक को। बाकी निकलते हैं फिर यहाँ। और ये तो कितनी डस्ट, देखो कितनी है डस्ट, ये है यहाँ के एक्चुअल डस्ट। और अपनी बाइक भी गिर गई थी, कुछ हुआ नहीं, वैसे दिक्कत ठीक है, बाकी हालत देख सकते हो। टेस्ट करके आ रहे हैं चैन वैन का। तो भाई कैसा रूट था भाई? कुछ नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं। रूट कैसा है? रोड तो भाई जान ले लेगा, कातिल रोड है, कातिल कातिल रोड है भाई ये तो। ऐसे ही बने रहिए और ऐसी वीडियो देखते रहेंगे और ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहेगी और खतरनाक कंटेंट मिलेगा। पूर्णिया नीचे रह गया, जहाँ आगे उससे आगे पदुम, तो चलते फिर यहाँ से। ये वही गांव है जहाँ हम लोग रुके थे, चाह विलेज। और चाह विलेज में नेटवर्क आ गया है, अब पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क स्टार्ट किया नहीं किया, पर यहाँ पे ये जियो को ये लगा तो दिया कम से इन्होंने टावर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे तो खंभे भी लग गए, यहाँ बिजली आने वाली है। अभी तक यहाँ बिजली नहीं थी, सिर्फ सोलर से चलते थे, और अभी तक खंभे वंभे सारे लगा दिए यहाँ पे। और कश्मीर के कुछ लड़के हैं, वो कुल लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा काम है भाई। अम्बू विलेज आया चाह के बाद में, तो ये देख लो ये है, ये लगा बोर्ड। और ये गाँव है छोटा सा, लाइनें जा रही है लाइट की। और यहाँ बीआरओ का कैंप है, यहाँ से कुछ दूरी पे और है पदुम बस। और भाई दोनों पीछे लगे वापस आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। ये पदुम कितनी दूर है? पदुम यहाँ से 40 किलोमीटर। एक घंटा और लगेगा? एक घंटा कहाँ से, डेढ़ घंटा लगेगा। डेढ़ घंटा? आप कहाँ स्कूल से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? हाँ जी, बैग ले कहाँ से स्कूल से? अच्छा अच्छा, मतलब सारे बैग लेके आ रहे हैं, मैं देखा सारे बैग लेके आ रहे हैं स्कूल से आ रहे हैं क्या? रोड पक्का कितने आगे से मिलेगा? रोड है 20-13 आगे क्या रोड ब्लॉक है? हाँ रोड ब्लॉक है। तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा, रोड काम चलता हुआ। लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ रोड काम हो गया था, ब्लॉक हो गए थे, तो अभी यहाँ रोड बंद है और वो लोग काम करते हुए। बाकी ग्रिप की गाड़ी खड़ी हुई है, ग्रिप की यहीं सारे, और ये नहीं जाती है, नज़ारा ही अलग है। आओ एक्सप्लोर करो जंस्कार को, वो जंस्कार आ गया भाई, आ गया जल्दी भाई, टेंस ही हो। तो ये हमारे हीरो नंबर वन है, ये भाई सही हीरो नंबर वन है हमारे, हीरो नंबर वन, आंटी नंबर वन, आंटी नंबर वन का मैं नहीं भाई, भाई यार एक बढ़ जाता है आज तो यार। तो वो निकल रही है पूरे, हाँ ओरिजिनल जैकेट ऐसा होता है भाई, ओरिजिनल जैकेट का ही सब। तो करीब करीब आज आधा घंटा पौन घंटा लगा क्लियर करने में। दो क्रेन आई थी, एक ऊपर से जेसीबी, एक नीचे से जेसीबी, जब जाके ये रोड क्लियर हुआ है। और शायद इनकी ड्यूटी फिक्स है डेली की, इतने बजे से लेके इतने बजे तक इनको इसमें काम करना है। भाई यार रोड एक नंबर बना रखा है यहाँ पे एकदम, मतलब 80-90 पे सीधी ट्रिप कर रही है बाइक। ये मॉनेस्ट्री आ गई, मॉनेस्ट्री का नाम नहीं पता, पर हमने होम स्टे मतलब होटल लिया है यहाँ पे। और ये है पदुम के अंदर, और पदुम में ये हमारा रूम है, 1000 रुपये में हमने रूम लिया है 3 बंदों के लिए। एक बेड ये है और एक ये है हमारा। तो कल का व्लॉग शूट करते हैं कल से, आज का ख़त्म करते हैं यहीं पे, और कल एक्सप्लोर करेंगे कोई नई जगह, कल नया रूट लेंगे हम लोग। लास्ट टाइम गए थे हम सिंगल सिलसिला,
वो रूट ना लेके अब दूसरा रूट लेते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं सुबह और अभी रेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत, अगर एक्सप्लोर करेंगे तो दिखा देंगे आपको वीडियो में। सही भाई, तो मिलते हैं फिर आके पदुम में समोसों का आनंद लेते हुए। चाय, चटनी, समोसे, बड़ा भाई पदुम समोसे।